जी ऐसा होगा क्या कि हमको डेंगू का मच्छर काटेगा तो डेंगू होगा क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है और कामरान को काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा? एक धर्म का लोग नाक से सांस लेता है, दूसरे धर्म का लोग कान से सांस लेता है, ऐसा होता है क्या? लेकिन याद रखना, न तुम धर्मेंद्र हो और ना जो है हम लोग बसंती का धन्नो है। किसी का नागरिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि एनआरसी के नौटंकी के नाम पर इस देश में हिंदू और मुसलमान का बहस खड़ा करने के लिए किया जाता है। मोटा भाई अपनी रैलियों में जाते हैं और जा करके कहते हैं कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं राम मंदिर के बाद भी तो कोई मुद्दा होना चाहिए ना, क्योंकि मोदी जी के बाद भी तो किसी को प्रधानमंत्री बनना है। इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूँ कि ये एनपीआर और एनआरसी इस देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं बल्कि अमित शाह को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाया गया है। ये बात समझिए कि हमको अगर एनआरसी में नहीं उलझाएगा तो हम ये कैसे समझेंगे कि किस मैरिट के आधार पर अमित शाह के बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है? हमारे हाथ में पत्थर थमा रहा है, हमारे हाथ में मुंगेरिया कट्टा थमा रहा है, हमारे हाथ में झंडा थमा रहा है और अपने बेटा को बेट नहीं दिया है, बीसीसीआई खेलने के लिए दे दिया। घर आके दिवाली का लड्डू खाया है, हम उसके घर जाकर के ईद की सवैया खाए हैं। ऐसा क्या हो गया है कि आज चौक चौराहे पे व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, दोस्त के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में ऐसा लग रहा है जैसे कोई विश्व युद्ध चल रहा हो? ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की गई है? ऐसी परिस्थिति इसलिए पैदा की गई है कि एक मुद्दा अगर सुलझ जाएगा तो उसके सुलझने से पहले दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाना चाहिए। अगर दूसरा मुद्दा खड़ा नहीं हो जाएगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, तो इस देश के जवान ये पूछने लगेंगे कि LIC क्यों बेचा जा रहा है। इसीलिए LIC पे हम सवाल ना पूछें तो NRC पे बहस होना जरूरी है। देश के गृह मंत्री ने देश को NRC में उलझा दिया और वित्त मंत्री ने LIC को बेच दिया। ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को हम देख ना सके, इसीलिए हमारे सामने रोज एक नया मुद्दा उछाला जाता है। कुछ दिन पहले क्या कहा जा रहा था कि कश्मीर से धारा 370 हट गया है, अब हम लोग जा करके श्रीनगर में जमीन खरीदेंगे। तो वो दोस्तों जो पत्थर फेंकने आया था ना, आप ही के जिला का है, पूछिएगा जा करके, अरे चाचा क्या बीघा घर खरीदे आप श्रीनगर? जब इस देश के नौजवान अपने 15 लाख का हिसाब मांगते हैं, जब इस देश के नौजवान ये सवाल करते हैं कि नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, आपने कहा था कि आतंकवाद की घटना रुक जाएगी, आपने कहा था कि नक्सलवाद की घटना रुक जाएगी, ऐसा रुका है कि आजकल देवेंद्र सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर से आतंकवादियों को दिल्ली आने के लिए लिफ्ट लेना पड़ा था। उसके ऊपर ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं करते हैं, लेकिन जो स्कूल के 8 साल और 10 साल के बच्चे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है। डॉक्टर कफील खान इस देश के, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यह फुर्सत नहीं थी कि जब मुजफ्फरपुर में नौनिहाल चंकी बुखार से मर रहे थे तो उनकी जाकर के सेवा करें, उनकी देखरेख करें। डॉक्टर कफील आकर के कैंप लगाते हैं, मुजफ्फरपुर के नौनिहालों का इलाज करते हैं मुफ्त में। आज डॉक्टर कफील को 72 घंटे हो गए हैं, जमानत मिल गई है, लेकिन उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया गया है। ये बेईमानी है दोस्त, और ये बेईमानी ये देश देख रहा है। तुमको लगता है ना कि धर्म का चश्मा लगा करके तुम लोगों के न्याय के सवाल को गुमराह कर दोगे, लेकिन याद रखना, न तुम धर्मेंद्र हो और ना जो है हम लोग बसंती का धन्नो है। हमारे भीतर ये इंसानियत है, हम ये जानते हैं कि हो सकता है कि बाहर से हम अलग अलग दिखते हो, कोई टोपी लगाता है, कोई टीका लगाता है,
कोई टिकी रखता है, कोई दाढ़ी रखता है। हम बाहर से अलग अलग हैं, लेकिन इस देश के लोगों को ये मालूम है, ये मालूम है कि हर इंसान में ईश्वर का वास होता है। जिस दिन इस देश के नौजवानों को ये बात याद हो जाएगी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो याद रखना, याद रखना, राम के नाम पर तुम्हारी नाथू राम की राजनीति का पर्दा फाश हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि हम लोग जो नौजवान आज पढ़ाई कर रहे हैं वो ये बात को समझ रहे हैं। आज ऐसा होगा क्या कि हमको डेंगू का मच्छर काटेगा तो डेंगू होगा क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है, और कामरान को काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा? ऐसा होता है क्या कि एक धर्म का लोग नाक से सांस लेता है, दूसरे धर्म का लोग कान से सांस लेता है? ऐसा होता है क्या? कोई जात हो, कोई धर्म हो, खाते तो सब मुंह से ही है ना। ये जो आज हमको आपस में आप हमारे पूजा बाप जो घर देकर के जाते हैं ना, उसमें चुन्ना लगाना पड़ता है, उसको प्लास्टर कराना पड़ता है, उसमें झाड़ू देना पड़ता है। जो आजादी हमको 1947 में मिली है, उस आजादी को बचाने के लिए, उस आजादी की रक्षा के लिए, इस तिरंगे को शान से फहराने के लिए और संविधान को अपने सीने से लगाने के लिए ही आजादी का नारा लगाते हैं। हमको गुलामी पसंद नहीं है क्योंकि हमारे पुरखों ने गुलामी नहीं की थी। हमको आजादी पसंद है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है और चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है। बेवकूफ मत बनो, देश से आजादी नहीं चाहते हैं, देश की जो समस्याएं हैं उससे आजादी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये जो एनआरसी के नाम पे एक बार फिर से इस देश को आप धर्म के झगड़े में उलझाना चाहते हैं, आप इस देश को धर्म के नाम पे जो भड़काना चाहते हैं और देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उससे जो आप भटकाना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। हम आपका पर्दाफाश करेंगे। इसीलिए ये जनगण मन यात्रा बापू धाम से शुरू हुई है, 30 तारीख को जो बापू का बलिदान दिवस है उस दिन से शुरू हुई है। और कई बार हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, आप लोग भी गांधी को मानते हैं, तो आप गांधी के जो मानने वाले लोग हैं इनका समर्थन देखकर, आप जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं आपका समर्थन देखकर, आप जो वीर कुंवर सिंह को मानने वाले लोग हैं आपका समर्थन देखकर, आप जो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं आपका समर्थन देखकर, ये जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं वो हमारे काफिले पे हमला कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये जनगण मन यात्रा को ये रोक देंगे। हमले के साए में चलने वाला ये मोहब्बत का कारवां रुकने वाला नहीं है। ये जनगण मन यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाली 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में पहुंचेगा और बिहार के इस क्रांतिकारी धरती से बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह और तमाम जो महान नेता रहे, जगदेव बाबू, कर्पूरी बाबू, नक्षत्र मालाकार, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, ये जो तमाम वीरों की ये धरती है, तो हमको हमारी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए ना। अगर हम इंजीनियरिंग किए हैं तो हमको हमारी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए ना। अगर हम ITR किए हैं, BEd किए हैं तो हमको हमारी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए ना। अपना अधिकार तो हमको देता नहीं है, देना होता है तो अपने बाल बच्चों को देता है। अभी बक्सर में भी हम बोल के आए, चौबे जी को अगर नेता बनाना होगा ना तो उसको नहीं बनाएंगे जो उनके सामने इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है, अपने बेटे को नेता बनाएंगे। ये राजनीति की परिपाटी है और ये जो कुर्सी का खेल है, ये जो राजनीति का खेल है, इसमें हमको नहीं फंसना है और अपने बच्चों के भविष्य को नहीं बर्बाद करना है। इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, महिला हो या पुरुष हो, ये जो हमला है वो एक धर्म पे हमला नहीं है, देश के संविधान पे हमला है, देश की आजादी पे हमला है, और ये संविधान पे हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे इस देश को आजादी सब लोगों ने मिलकर के दिलाई है, इस देश की आजादी की रक्षा भी, इस देश के संविधान की रक्षा भी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। बोले करेंगे कि नहीं करेंगे?
अगर हमारी एकता रहेगी तो कोई हमारे देश को कमजोर नहीं कर सकता है। हम एकजुट होकर के लड़ेंगे और हम भी इस लड़ाई को जीतेंगे। इसी आसान विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। यार नहीं चलेगा, ये रेजोल्यूशन आप पास कीजिए। इसीलिए आने वाली 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ रैली होने वाली है। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना, आपका साथ मिलेगा ना, आप लोग आएंगे ना। बगल में स्टेशन है और बगल में पटना है। हम लोग संपूर्ण क्रांति से आते थे तो कई बार जो है आरा स्टेशन पे संपूर्ण क्रांति रुक जाती थी। तो आरा का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, स्लीपरों में लोग घुस के कहते थे, सुना आरा जिला घर बात कौन बात के डर का। तो आप आरा के जो बहादुर लोग हैं, आप 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान पहुंचेंगे क्या? अगर आप तमाम लोग आएंगे तो मैं भी नेता की तरह नहीं, ये जो बुजुर्ग सामने बैठे हैं इनकी बेटा की तरह, ये जो माए बैठी हैं इनके बेटे की तरह, ये जो बहने बैठी हैं इनके भाई की तरह, और आप जो नौजवान हैं आपकी दोस्त की तरह आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये गृह मंत्री कहता है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 1 इंच तो क्या, इससे पूरी जमीन लेंगे और इसको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ इसका दोस्त विजय माल्या भाग करके गया है। तो वादा आपसे कर रहे हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि हमने NRC और NPR की साजिश को समझा है। हमने समझा है क्योंकि CAA का तो नौटंकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये NRC के जाल में खुद ही फंस गए। हुआ ये कि NRC जब आसाम में लागू हुई तो 19 लाख में से 15 लाख हिंदुओं का नाम काट करके हटा दिया गया, और जब हिंदुओं का नाम हाथ काट करके हटा दिया गया तो अमित शाह को लगा कि अब NRC के नाम पे हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे। इसीलिए उस गलती को छुपाने के लिए ये CAA लेकर के आए हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं अगर NRC में कागज की कमी के चलते तुम्हारा नाम कट जाएगा तो टेंशन मत लेना, CAA के तहत तुमको नागरिकता दे देंगे। ये झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि अगर NRC में कागज की गलतियों के चलते आपका नाम काटा जाएगा तो आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, और जब नागरिकता ले ली जाएगी तो सिर्फ नागरिकता नहीं ली जाएगी, बाप दादा का पुश्तैनी जमीन भी जाएगा, वोट देने का अधिकार भी जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास 30% लैंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाप दादा की जमीन है और वो आने वाले बच्चों को ट्रांसफर होते रहता है, उसका कोई कागज नहीं है। एक बार अगर कागज की गलती के चलते नागरिकता छीनी जाएगी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगरा हो या पिछड़ा, ब्राह्मण हो या दलित, तो ये परेशानी सबको उठानी पड़ेगी। ये आसाम इसका उदाहरण है। ये बंगाल चुनाव जीतने के फेरा में जो अपने आप को चाणक्य समझता है ना, माथा का केस उड़ जाएगा तो चाणक्य हो जाएंगे, ये अपना चुनाव जीतने के फेरा में पूरे देश को एक फालतू परेशानी में फंसा दिया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई भ्रम में मत रहिए। हमको मालूम है कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आता है, टीवी में बोला जाता है कि घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, और व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि मियां जी का घर द्वार लेकर के हिंदू में बांट दिया जाएगा, यही आता है ना। तो हम क्या चाहते हैं आजाद देश में, आजाद देश में महिलाएं मांगे तो पुरुष भी बोला, अरे गाली भी से तो भुखमरी से, अरे बेकारी से, सामंतवाद से तो जातिवाद से, अरे जातिवाद से दंगाई से लेंगे, दंगाई से लेंगे, तुम कुछ भी कर लो हम लेते रहेंगे, तो मनुवाद से तो संघवाद से आतंकवाद से अरे करते किससे तो चाह बोलो, अरे सुन लो मोदी हम नहीं करेंगे हम लेके रहेंगे
तो एनपीआर से आ, तो सीए से आ, है हक हमारी आ, है हक तुम्हारी आ, तो मिलकर बोलो अंबेडकर वाली आ, आजाद वाली आ, अस्पात वाली आ, तो बिस्मिल वाली आ, अरे भगत सिंह की आ, तो गांधी वाली आ, कर्पूरी वाली आ, जगदेव वाली आ, अरवीर कुंवर की आ, अरवीर कुंवर की आ, तो पीर अली की आ, है हक तुम्हारी आ, है हक हमारी आ, अरे डरते किससे आ, तो मिलकर बोलो आ, तो मिलकर बोलो आ, आजाद देश में आ, है जान से प्यारी आ, है प्यारी प्यारी आ, है हक हमारी आ, शुक्रिया धन्यवाद आप तमाम लोगों का। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.